सो गाइस, आज है हमारे पास में Redmi 12 के स्मार्टफोन और इसके मैं आपको 30 प्लस अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। अभी आप ये कैमरे में रिंग देख रहे हैं, इसे आप कैसे लगा सकते हैं लाइट वगैरह, या फिर डायनेमिक आइलैंड अपने फोन में आप कैसे लगा सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम एहसान है, आप देख रहे हैं टेक्टो एहसान चैनल। सो गाइस, पहले फीचर्स की बात करें तो आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करिएगा आप। अब ये कंट्रोल सेंटर आपका ये पुराना वाला रखना चाहते हैं आप, या फिर आप न्यू वाला रखना चाहते हैं, यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि मैं पुराना वाला रखे होता देता हूँ, ओल्ड वाला। अब ओल्ड वाला आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये वाला, और आप न्यू वाला रखना चाहते हैं तो ये न्यू वाला कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो हमारा कंट्रोल सेंटर है इस तरह से देख सकते हैं आप। गाइस, अगले फीचर्स की बात करें तो आपको फोन के डायलर पे आ जाना है। फोन की डायलर पे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको डायलर मिलेगा, बट यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मतलब कि कॉल रिकॉर्डिंग आप चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर लेना। ये नोटिफिकेशन है, इसे आप बंद कर लेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी। और रिकॉर्ड ऑल कॉल करेंगे आप, ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉल वगैरह है ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होने लगेंगे। यहाँ से आप कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई नंबर वगैरह को, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके भी उस नंबर को सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या ऑल में करेंगे तो ये सारी की सारी जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो होने वाली है। अब बैक आ जाना है गाइस, और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल सेटिंग का, इसमें क्लिक करिएगा। यहाँ से फ्लिप टू साइलेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि कोई कॉलिंग आ रही है और आप अपने फ़ोन को इस तरह से कर देते हैं तो आपका जो ना फ़ोन आ रहा है, इनकमिंग कॉल आ रही है, वो साइलेंट मोड में चली जाएगी। इसी वाले आपको इस वाले ऑप्शन को आप चालू कर देते हैं। तो अब इसी के नीचे एक और ऑप्शन मिलता है गाइस, फ्लैश बैन रिंगटोन, मतलब जैसे कोई इनकमिंग आएगी ना तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो भी जलने वाली है इस वाले ऑप्शन से। अब इसी के नीचे एक ऑप्शन मिलता है गाइस, म्यूट फर्स्ट रिंग वाला, जैसे कोई अननोन कॉल आ रही है, मतलब कि आपके फ़ोन में सेव नहीं है वो नंबर और आप उसे म्यूट करना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को चालू कर देना। फर्स्ट टाइम में वो अननोन नंबर जो आएगा आपका, वो रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। हाँ, तो यार नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है सेटिंग में ही। यहाँ पर देखो ऑटो आंसर वाला एक ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करना और ये पहले से बंद रहेगा, इसे आप चालू कर लीजिएगा। अब देखो आपने कोई डिवाइस वगैरह लगा के रखा है, कोई हेडफोन वगैरह या ब्लूटूथ वगैरह, और आप बाइक वगैरह में हैं तो अब देखो तो यहाँ पर इसे चालू कर लेना है। 3 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ोन है पिकअप हो जाएगा। यदि आप 5 सेकंड करना चाहते हैं या फिर 10 सेकंड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो गाइस, अब अगले फीचर्स की बात करें तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है यहाँ से, और सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको बताने वाला था ये वाला सेटिंग साइड स्टेटस बार, तो इसे आप कैसे चालू कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए गाइस यहां पर आइएगा, ये देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स, इसमें आप क्लिक करिएगा। और स्पेशल फीचर्स में ना ये फ्लोटिंग वाला एक ऑप्शन है, फ्लोटिंग विंडो, इसमें आप क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद में यहां पर देखेंगे साइड बार, साइड बार में क्लिक करेंगे तो ये पहले से आपके में बंद रहेगा ऑलवेज शो वाला, ये यहां से आप देख सकते हैं, इसे आपको चालू कर लेना है। अब चालू करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से साइड से ये जो देखने को मिलेगा स्टेटस बार, आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो वो भी ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं मैसेज यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये जो हमारी मैसेज है वो चालू हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें पासवर्ड डलेगा पहले, फिर इसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। अब गाइस, जैसे कि अगले फीचर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था आप बैकग्राउंड में कैसे म्यूजिक चला सकते हैं यूट्यूब वगैरह की, तो आप यूट्यूब ओपन करना इस तरह से। तो जैसे गाइस ये वाला जो म्यूजिक है इसे मैं चालू करता हूँ, चालू करने के बाद में यहाँ पर देखो ये चालू हो गया, मैंने आवाज़ बंद करके रखा है। अब यहाँ पर साइड बार पर क्लिक करिएगा आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद में देखो गाना चालू हमारा, ये हमारा स्क्रीन बंद हो गई फिर भी। हाँ, तो यार अब अगले फीचर्स के लिए यहाँ पर आपको आना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वॉलपेपर वाला, इसमें क्लिक करिएगा। अब आपको जो भी वॉलपेपर यहाँ से डाउनलोड करना रहेगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्रोफाइल में जाना, प्रोफाइल में आपके जो भी वॉलपेपर रहेंगे यहाँ से, या फिर गाइस आप अपनी फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। आपको बैक आ जाना है अगले फीचर्स के लिए, और यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करना है, और थीम्स भी आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप बहुत सारे फ्री वाले थीम्स भी मिल जाते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे अच्छे वाले थीम्स आपको जो भी लगाना होगा। अब अगले फीचर्स गाइस यहाँ पर आपको मिलता है होम स्क्रीन वाला, इसमें आप क्लिक करना, ये वाला आपके पहले से चालू रहेगा। ये ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये आपने इस तरह से कर रहा हो ये कीबोर्ड ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है।
अभी ये ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है आपके में, ये पहले से चालू रहेगा। इसे बंद करने के लिए आपको ऐप ड्रॉवर में ही आना है, ऐप ड्रॉवर सेटिंग में। अब ये वाला जो ऑप्शन है इसे आप बंद कर लेना। अब बंद कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉवर भी निकाल लेंगे तो ये कीबोर्ड वगैरह नहीं आएगा। हाँ तो देखो अगले फीचर्स के लिए आपको ना यहाँ पर अपने फ़ोन में क्लिक करके रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर विजिट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से आप बहुत सारी विजिट्स वगैरह लगा सकते हैं, आपको जो भी विजिट लगाना है अपने फ़ोन में तो वो आप यहाँ से रख लीजिएगा। और अब अगले फीचर्स के लिए आपको फिर से यहाँ पर टैप करके रखना है गाइज, और यहाँ पर आप सेटिंग में चले जाना। और देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ये वाला। अब ये वाला अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फीचर्स, ये कैसे आपके फ़ोन में आएगा, ये पहले से आपके में बंद रहेगा। अब देखो यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद में देख सकते हैं आप डुअल टैप टू लॉक स्क्रीन, मतलब इसे आप चालू कर देंगे ना आपका फ़ोन इस तरह से है, और आप यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन में चला जाएगा। तो यार अगले फीचर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको आना है एडिशनल सेटिंग में, और एडिशनल सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्चर शॉर्टकट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना। तो देखो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है लॉन्च कैमरे में, और लॉन्च कैमरे में क्लिक करने के बाद में देखो जैसे कि डुअल प्रेस करेंगे आप वॉल्यूम बटन को तो आपका जो कैमरा है वो चालू हो जाएगा, जैसे कि आपका फ़ोन बंद रहेगा और आप डबल प्रेस करेंगे तो आपका जो कैमरा है वो चालू हो जाने वाला है। इस तरह से आपको फिर से जेस्चर एंड शॉर्टकट में ही आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर। अब ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना इससे आप बहुत सारे काम करा सकते हैं, जैसे कि इसमें आप क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद में देखो आप चाहते हैं कि कैलकुलेटर ओपन हो जाए, या फिर आपका फ़ोन साइलेंट मोड में चल जाए, या फिर कैमरा लॉन्च हो जाए, या फिर जो टार्च वगैरह है वो चालू हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपका फ़ोन बंद रहना चाहिए और आप इस तरह से डबल प्रेस करेंगे तो आपका जो फ्लैश लाइट है या कैमरा है वो चालू हो जाएगा। बैक आइए गाइस, और बैक आने के बाद में आपको और भी बैक आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे वन हैंड वाला एक ऑप्शन मिल जाता है वन हैंड मोड, इसमें क्लिक करना। तो वन हैंड मोड को चालू करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको आ जाना है, कोई एप्लीकेशन यहाँ पर टच नहीं होता, एक हाथ से आप चला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना इस तरह से आराम से ऐसा करना है, तो ये देखो वन हैंड में आपका जो फोन है वो आ जाएगा, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पर मिलता है आपको मेमोरी एक्सटेंशन। आपके फोन में ना पहले से 6 GB है, मतलब कि आप 5 GB तक और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं रैम को, 2 GB या 3 GB बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करिएगा और ये 5 GB बढ़ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट फीचर्स के लिए गाइस यहाँ पर आना है आपको ऐप में। ऐप में जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को लॉक करना चाहते हैं तो टर्न ऑन पर क्लिक करना। टर्न ऑन पर क्लिक करने के बाद में कोई पासवर्ड डाल लेना है यहाँ से। अब देखो ये जो एप्लीकेशन है, इतने सारे एप्लीकेशन आप लॉक कर सकते हैं, यूज ऐप लॉक करेंगे आप तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लगाना है अपना और ये लॉक हो चुके हैं। अब कुछ एप्लीकेशन ओपन नहीं होंगे, जैसे कि ये फेसबुक है, इसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा पहले, तब जाके ये यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस तरह से लगाऊंगा तब जाके ये एप्लीकेशन ओपन होने वाला है। और आप बैक आ जाना अगले फीचर्स के लिए गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल एप्स का ऑप्शन मिल जाता है। डुअल एप्स मतलब कि जो एप्लीकेशन को आप डबल करना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया या फिर आप फेसबुक हो गया। आप मेरे में अभी व्हाट्सअप नहीं है तो ये फेसबुक बस आ रहा है, इसमें आप क्लिक करिएगा। इसके बाद में ये डुअल एप्लीकेशन हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये डुअल एप्लीकेशन हो रहा है। अब एक आईडी को आप डबल आईडी में भी चला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अब आप वापस से जाना अपने होम स्क्रीन में, अब आपको डबल जो फेसबुक है वो देखने को मिलेगी। ये पहले से एक फेसबुक पहले से थी, एक और फेसबुक यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह आप कोई भी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। अब गाइस अगले फीचर्स यहाँ पर आपको बैटरी में मिलता है, बैटरी में क्लिक करिएगा। बैटरी में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितना अपने फ़ोन को चलाया है, कितने देर तक चार्ज किया है, वो सारा कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपका कैमरा यूज हुआ है वो सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट्रा बैटरी सेफ भी मिल जाता है, मतलब कि आप कहीं बाहर गए हैं सफ़र में हैं और आपको बैटरी वगैरह बचाना है तो अल्ट्रा बैटरी मोड भी मिल जाता है, तो आप इसे चालू करेंगे तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचने वाली है। बाकी अब अगले फीचर्स के लिए यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद में आप देखेंगे गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि काफ़ी कमाल का है, डिजिटल वॉल्यूम वाला। डिजिटल वॉल्यूम पर क्लिक करिएगा। अब डिजिटल वॉल्यूम से ना आप पता कर सकते हैं कि आपने सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन चलाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
सेटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ हुआ है हमारा, फिर यूट्यूब में, फिर कैमरा में, फिर गैलरी में। अब मैं आपको बता दूं गाइस, जैसे कि आप ज़्यादा यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो आप यूट्यूब में जाना यहाँ पर और टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं 30 मिनट या फिर आप जितना भी सेट करना चाहते हैं। इसके बाद में ये आना जो एप्लीकेशन ओपन नहीं होने वाला है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाऊंगा तो ये ओपन नहीं होगा। अब इस तरह से ये लॉक आएगा पहले और ये ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बताएगा कि ये आपने पहले से ही 30 मिनट तक चला चुका है। हाँ तो यार, अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की। तो आपको स्टेटस बार में आना है। स्टेटस बार में देखो आपको वाईफाई और हॉटस्पॉट वगैरह एक साथ में चालू करना है तो वो भी आप चालू कर सकते हैं। देखो हॉटस्पॉट हमारा चालू हो गया और वाईफाई भी चालू है। और यहाँ पर स्टेटस बार में भी और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे गाइस यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, एडिट वाला ऑप्शन मिल जाता है। आपको जो भी रखना है यहाँ पर, कोई एप्लीकेशन यहाँ पर, मतलब जो भी आपको फंक्शन रखना है तो आप रख सकते हैं, या फिर इन्हें हाइड करना चाहते हैं तो ये हाइड हो जाएंगे, ऊपर साइड में ये दिखने वाले नहीं है। और यहाँ पर आप देखो फोकस मोड मिल जाता है आपको स्टेटस बार में, इसमें आप क्लिक करिएगा। और फोकस मोड मतलब कि गाइस ये फोकस मोड क्या है, जैसे कि आप यूट्यूब ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको, या फिर कैमरा परेशान कर रहा है, या गैलरी परेशान कर रहा है, इसमें आप क्लिक करना, इसमें भी आप क्लिक कर लीजिएगा, इसमें आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद में आप टर्न ऑन कर देना। टर्न ऑन करने के बाद में आप देखेंगे आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा एप्लीकेशन वगैरह, वो वाली एप्लीकेशन ओपन नहीं होंगे। जैसे कि हमने ये कैमरा कर रहा था सेलेक्ट फोकस मोड में, और ये यूट्यूब हमने सेलेक्ट करके रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये वाले जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रखा है वो वाली एप्लीकेशन ओपन नहीं होंगे। अब गाइस यहाँ पर जो कैमरे में आपको लाइट देखने को मिल रही है, आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस, क्योंकि वीडियो में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको मेहनत दिखती होगी। तो अब इसे आप कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर आना है अपने, यहाँ पर देख सकते हैं आप गेट ऐप्स में आना, और गेट ऐप्स में आने के बाद में यहाँ पर आप ये सर्च वाला ऑप्शन है, सर्च में क्लिक करिएगा, रिंग रिंग आप सर्च कर लेना तो ये एप्लीकेशन सबसे ऊपर साइड में ही आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके ओपन कर लेना, मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये बंद रहेगा और आप इसे चालू कर दीजिएगा। कुछ परमिशन वगैरह देना पड़ता है आपको। अब सेट करने के बाद में इसका कलर वगैरह आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर में आइएगा, और जो भी आपको कलर रखना है इसका तो वो आप कलर भी सेट कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज के हिसाब से आप रखेंगे तो बैटरी जैसे जैसे आपकी कम ज्यादा होगी तो वो बैटरी के हिसाब से ये कलर चेंज होता रहेगा, ऊपर साइड में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कैमरे में लाइट वगैरह लगा सकते हैं। सो गाइस अगले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायनेमिक आइलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप प्रेस करके रखिएगा तो ये म्यूजिक इस तरह से आ जाएगा, और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं अपने गाने को तो वो भी बढ़ा सकते हैं, और इसे आप प्ले पॉज करना चाहते हैं तो प्ले पॉज भी कर सकते हैं। और गाइस ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसी तरह आप चार्जिंग में लगाएंगे या फिर गाइस कोई नोटिफिकेशन आती है आपके फ़ोन में तो ये इस तरह से डायनेमिक आइलैंड आने वाला है आईफोन 14 की तरह ही। तो आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो गाइस इसके लिए ना आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है डायनेमिक स्पोर्ट। अभी आप देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा डायनेमिक स्पोर्ट करके, इसे आप ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद में गाइस सारी परमिशन दे देना, ऑल में सेट कर लेना, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आप चालू कर लीजिएगा। चालू करने के बाद में देखो यहाँ पर आपको ये इस तरह से देखने को मिल जाएगा। हाथियार जो आज की वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, बड़ी हो रही है, इसलिए हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी पार्ट 2 की, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पार्ट 2, तो आप पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।